सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेयर रीग्रो एंड सॉल्यूशंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज करने से आपका हेयर फॉल तो कंट्रोल हो गई, साथ में आपको आपके हेयर की रीग्रोथ भी करेगा, हेयर की थिकनेस भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा, जो पतले बाल हैं पतले बाल को मोटे भी करेगा और हेयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा और आपके बाल काफ़ी घने कर देगा। तो आप जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और वीडियो का आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी मेडिसिन मैं पर्सनल खुद यूज़ कर रहा हूँ। पहले मेरे हेयर की कंडीशन कुछ ये थी, पूरा स्कैल्प विजिबल होने लगा था, फिर उसके बाद मैंने ये सारी मेडिसिन स्टार्ट करी है। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ रिजल्ट आया हुआ है, जो भी रिजल्ट आपके सामने है। ये अभी 2 मंथ का रिजल्ट है और रिजल्ट आने में 5 से 6 मंथ लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आपको सबसे पहली मेडिसिन यूज़ करना है वो ये है कि आपको कोई एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है अल्टरनेट डेज पे, जिससे कि आपका आपके हेयर में जो भी कुछ डैंड्रफ हो वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। आपके स्कैल्प पे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं होना चाहिए और आपको अल्टरनेट डेज पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। जो मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करता हूँ वो ये है। आप कोई सा भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है पहली वॉश। और अगर आपको बहुत हैवी डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप ये वाला लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड नंबर पर ट्रीटमेंट करना है वो ये है कि आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है। आप डर्मा रोलर ले सकते हैं 0.5 mm का, तो ये आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजन पे। तो ये है डर्मा रोलर 0.5 mm का। इसको आपको वीक में 2 बार आपको इसे यूज़ करना है। इसे क्या करना है, आपको पहले इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, फिर क्रॉस डायरेक्शन में, आपको इसे अप्लाई करना है। और इसे ज़्यादा तेज प्रेशर से आपको यूज़ नहीं करना है, धीरे फ्री हैंड आपको इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपके स्कैल्प पे माइक्रो इंजरी होती है, उसकी वजह से आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और आपके जो भी पतले हेयर होते हैं जिन हेयर की ग्रोथ नहीं होती वो अच्छी हो जाती है और आपके हेयर दोबारा से रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आपको मेडिसिन यूज़ करना है वो आपको मिनोक्सिडिल मोर एफ 5% आपको ये डेली यूज़ करना है। तो आप इसे दिन में 2 टाइम यूज़ करना है आपको, एक सुबह में ये 1 ml और एक शाम में 1 ml। आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको आपको अपनी स्कैल्प पर ड्रॉप बाय ड्रॉप अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से रब कर देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप जब भी आप अप्लाई करें तो आपका स्कैल्प ड्राई होना चाहिए, ना वहाँ पे ऑयल होना चाहिए और ना ही पसीना होना चाहिए। और आपको ये मिनिमम 3 से 4 मंथ यूज़ करना है, जब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपका फोर्थ नंबर पे जो मेडिसिन यूज़ करना है वो आपको ईवोन 400 टैप के लिए, ईवोन 400 जो आपके कैप्सूल आते हैं, इसको आपको अपने स्कैल्प, तो ये आपको आप ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो ये आप अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो ये सही से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 इसके कैप्सूल निकाल के और कोकोनट ऑयल आपको लेना है 1 बाउल में, इतना लेना है जितना आपके स्कैल्प लग जाए, उसके अंदर इसे छेद करके इसका ऑयल में डाल के मिक्स करके और अपने स्कैल्प पे लगा लेना है। आप अल्टरनेट डेज पे इसे अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 5वें नंबर पे जो आपको करना है वो आपको एक बायोटिन के कैप्सूल लेना है। बायोटिन के कैप्सूल ले सकते हैं आप, फॉली हेयर किसी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो लेता हूँ वो ये है। तो आपको इसे डेली रात में 1 टैबलेट लेना है और ये आप 3 महीने तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये 5 चीज़ करना है और आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। और अगर आपके DST की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आपको अपनी डाइट में टोमेटो ऐड कर लेना है और पम्पकिन सीड जो होती है कद्दू के बीज और अखरोट हो गया और आपका बादाम, ये सब आप अपनी डाइट में ऐड करिए और अपनी डाइट अच्छी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसका हेयर फॉल अच्छा खासा हो गया है और उनका स्कैल्प विजिबल हो रहा है, ये उनको उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और लेकिन ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है जिसका पूरा अच्छा खासा बाल्ड हो गया, मतलब 7th-8th grade का बाल्डनेस है, उन पे ये कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी जहाँ पर आपके एक भी हेयर फॉलिकल मौजूद नहीं। उसके लिए एक ही अल्टरनेटिव कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा दी। और फ्रेंड, जिसका अर्ली स्टेज पे हेयर फॉल है, मतलब जिनका बहुत कम हेयर फॉल हो रहा है और स्कैल्प भी अभी विजिबल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैंने होम रेमेडीज़ बताई हैं कि आपको 5 ऐसी कौन सी होम रेमेडीज यूज़ करनी है जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा हेयर ग्रोथ हो जाए और हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाए। तो उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड, मैं आपको अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये सारा ट्रीटमेंट करने से पहले अगर आप हेड शेव करा लें, हेड शेव के बाद अगर ये सारा ट्रीटमेंट आप अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका स्कैल्प बिल्कुल
क्लियर होगा, बिल्कुल साफ होगा और वहां पर आपके हेयर भी नहीं होंगे, तो आप ये सारा ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन यूज करिए आप और आप बताइए कमेंट करके कैसी वीडियो कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप मेरा 2 मंथ का रिजल्ट देख सकते हैं, मैंने हेड शेप कराया था, हेड शेप के बाद ये सारी मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसा है रिजल्ट। कुछ अभी पूरा रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 2 मंथ के बाद ही रिजल्ट आना शुरू होता है, तो अभी देखिए छोटे छोटे हेयर और भी आ रहे हैं। तो ये 5 मेडिसिन आप अप्लाई करिए और रेगुलर यूज करिए। और मिनोक्सिडिल का रिजल्ट देखने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 मंथ तक आपको डेली अप्लाई करना होगा मिनोक्सिडिल। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले दिख सके आप। तो मैंने आपको बता दिया है, पहले सबसे पहले आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपना स्कैल्प को क्लीन रखना है, पहला ये है। दूसरा आपको डर्मा रोलर यूज करना है। तीसरा आपको डेली मिनोक्सिडिल यूज लगाना है। चौथा आपको इवन कैप्सूल यूज करना है, कोकोनट ऑयल या किसी ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके। और पांचवा आपको बायोटीन कैप्सूल, और कोई सा भी ले सकते हैं आप बायोटीन कैप्सूल, और ओमेगा 3 फिश ऑयल जो होता है, फिश ऑयल का कैप्सूल, वो भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए।